हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूके चैनल। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे विद स्टैटिक जीके के साथ। तो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जिसमें क्लिक कर कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो उसमें पीडीएफ आपको डेली मिल जाएंगी करंट अफेयर की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, और यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखते हैं, यह मनाया जाता है जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे सैमुअल हैनीमैन, उनकी याद पर यह मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी डे। तो सैमुअल की बात करें, सैमुअल हैनीमैन की, तो इनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 जुलाई 1843 में। तो इनकी और इस बार की थीम देखें, तो इस बार की थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एडवाइजिंग साइंटिफिक कोलाब्रेशन। तो यह इस बार की थीम थी, आप देख सकते हैं, आपको नोट करना तो कर लीजिए। वैसे एग्ज़ाम में इतनी बड़ी थीम पूछी नहीं जाती, और आएगी भी तो आप बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे और भी डे होते हैं, उनकी बहुत छोटी ही थीम होती है। भारत में बात करें तो भारत में ये होम्योपैथी डे मनाता है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म की बात करें, तो आयुष का फुल इधर ए का मतलब हो जाता है आयुर्वेद, वाय का योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी, और एस का मतलब हो जाता है सिंध, और एच का मतलब होम्योपैथी। नेक्स्ट, निम्न में से सीआरपी शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपी का शौर्य दिवस। इस दिन क्या है, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय एक पाकिस्तान की टुकड़ी सीआरपी के कैंप में आ गई थी, जिसको कुछ वीरों ने उसको मार के भगा दिया था, और उसी के शौर्य को दिखाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सीआरपीएफ की बात करें, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसकी मिनिस्ट्री है जिसके अंतर्गत ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी वर्तमान पर मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अभी एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात करें, मैंने ये अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हैं एपी महेश्वरी। और सीआरपीएफ की बात करें, तो यह सीआरपीएफ 1939 में क्राउन प्रतिनिधित्व पुलिस के रूप में जानी जाती थी, जिसे सीआरपीएफ 1949 के अधिनियम के तहत सीआरपीएफ पुलिस का दर्जा मिला। नेक्स्ट, और एक बात और करें, तो यह सीआरपीएफ है जो सबसे बड़ी भारत की सशस्त्र पुलिस विभाग है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड चालू किया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। तो जानते हैं ऑपरेशन शील्ड क्या होता है, तो कोविड-19 से बचने के लिए 21 जगहों पर कोरोना प्रभावित इलाकों पर पूर्ण रूप से बंदी लगा दी गई है, तो उसी को बोला गया है ऑपरेशन शील्ड के तहत, जिसमें 21 क्षेत्रों में पूरी तरह से लॉकबंदी कर दी गई। तो यहाँ और देखते हैं, यहाँ शील्ड का मतलब जानते हैं, शील्ड का मतलब क्या है? तो यहाँ एक एस का मतलब हो जाता है सील, यानी कि इलाकों को पूरी तरह से सील कर देना, जिसमें जहाँ पर ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा संक्रमित लोग मिले हैं, उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। और यहाँ एच का मतलब हो जाता है होम क्वारंटाइन, यानी घर में ही क्वारंटाइन होना। इसका मतलब जो व्यक्ति संक्रमित से होम घर में ही क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, 21 जो क्षेत्र हैं उन उन जगहों पर। आई का मतलब हो जाता है आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, तो यहाँ इसका मतलब है कि संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन करने के लिए संपर्क करा जाएगा, जो जो संपर्क में आए हैं उनको आइसोलेशन करा जाएगा, इस तरह उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। और ई का मतलब हो जाता है एसेंशियल सप्लाई एंड सर्विस, यानी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित कराया जाएगा, जो भी मतलब लोगों की डिमांड है उनको उनके घर पे ही दिया जाएगा। और एल का मतलब हो जाता है यहाँ लोकल सैनिटाइजेशन, यानी जितने भी हैं वहाँ स्थानीय लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा इसके तहत। और डी का मतलब हो जाता है डोर टू डोर चेक, मतलब जितना भी रहेगा इनको घर घर जाके चेक किया जाएगा किसी को कोरोना वायरस तो नहीं है,
इस तरह इसके शील्ड का ऑपरेशन शील्ड चलाया गया है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने 5G प्लान भी लॉन्च किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कल या परसों वाले वीडियो में, जिसमें 5G प्लान लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, और इससे पहले कोलकाता थी राजधानी। और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है शहर, दिल्ली जो शहर है यमुना नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी कितने रहने की अनुमान लगाया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.8%। तो 4.8% अनुमान लगाया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की जीडीपी का। तो यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं, आइए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके अभी हेड हैं वर्तमान में एंटोनियो गुटरस, और अभी मेंबर हैं 193 मेंबर्स हैं इसके अभी यूएनओ के। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भुगतान के डिजिटल तरीके को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ने। तो अभी कोरोना वायरस के चलते हुए अभी पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, तो इसके तहत लोगों को डिजिटल तरीके से पैसे का लेन देन करने के लिए आरबीआई ने ट्विटर अभियान चलाया है, और जिसका अभी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है, अमिताभ बच्चन को बनाया है, जिनके वो इनका प्रचार प्रसार कर सकें और जिसकी तरह वो ट्विटर अभियान में जुड़ सकें। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके अभी वर्तमान पर गवर्नर हैं शक्तिकांत शक्तिदास कांत दास जी हैं, जो 25वें गवर्नर थे इसके आरबीआई के। नेक्स्ट, गो कोरोना गो ऐप किसने लॉन्च किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IISc बेंगलुरु ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु ने इसको गो कोरोना गो ऐप लॉन्च किया है, जो लोगों को ट्रैक करेगा कि कोई व्यक्ति संक्रमित है कोरोना वायरस से कि नहीं। तो इसके तहत ही ये गो कोरोना गो ऐप बनाया गया है, और जिसमें ब्लूटूथ और जीपीएस के द्वारा जितने भी संदिग्ध लोग रहेंगे कोरोना वायरस से उसको पहचान कर ली जाएगी, और इस ऐप की मदद से जो कोरोना वायरस पीड़ित मरीज है उससे उसके पास जाने से भी रोका जा सकता है, इस तरह का ये ऐप। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम किस राज्य में शुरू किया, तो इसका सही आंसर हो जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने आरोग्य सेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम लॉन्च किया है, जो आरोग्य सेतु के ही मिलते जुलते टाइप का है। यदि इसकी बात करें तो यह है लोकल बेसिक मोबाइलों यूजर वालों के लिए बनाया गया है, जो मिस कॉल कर COVID-19 की जानकारी ले सकते हैं। जबकि जो आरोग्य सेतु बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, वह स्मार्टफोनों के लिए बनाया गया एक ऐप था। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तो अभी तमिलनाडु की कैपिटल हो जाती है चेन्नई, और जिसके अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं सीएम हैं E.K. पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और देख लेते हैं, यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18 और यहाँ की विधानसभा हैं 234। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनवाने की योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु सरकार ने अपनी जेलों में जो कैदी हैं उनसे फेस मास्क बनवाने की योजना शुरू की है, जिसके तहत अभी 34,000 फेस मास्क बनाए जा चुके हैं और बांटे भी जा चुके हैं। तो यह योजना जो फेस मास्क बनाने की योजना है, ये तमिलनाडु सरकार ने की है चालू। हाल ही में ADP ने COVID-19 से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की, तो इसका सही आंसर हो जाता है 2.2 बिलियन डॉलर। तो इसमें भारत सरकार को ADP के द्वारा 2.2 बिलियन डॉलर दिया जाएगा। तो यदि ADP की बात करते हैं, आइए, तो ADP की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, और इसकी हेडक्वार्टर है अभी फिलीपींस के मेनिला शहर में, और जिसके अभी वर्तमान पर अध्यक्ष हैं मात्सुंगा आसकावा,
जिसके अभी मेंबर हैं 68 कंट्रियां इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जॉन प्राइन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक गायक थे, अमेरिकन गायक थे, जो जिनका अभी कोरोना वायरस के चलते हुए निधन हो गया। ये जॉन प्राइन आप देख सकते हैं, ये हैं जॉन प्राइन, जिनका अभी कोरोना वायरस के चलते हुए निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ COVID-19 समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निकोबार में। तो निकोबार में अभी COVID-19 से समर्पित 24/7 हेल्थ चैनल लॉन्च किया है, जिसमें सभी तरह के COVID-19 से होने वाले उपाय और सावधानियों के बारे में बताया जाएगा इसमें, और जागरूक किया जाएगा इसके तहत, इस चैनल के तहत। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ हेयर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन ने अभी मेलेनिया ट्रंप के ऊपर एक बुक लिखी है, द आर्ट ऑफ हेयर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप। मेलेनिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, तो उनके ऊपर यह बुक लिखी गई है। और मैरी जॉर्डन की बात करें तो इन्हें पुलिंजर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2005 में, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है। और ये जो मेलेनिया ट्रंप है, इनके इंटरव्यू के ऊपर ये बुक बनी है। व्हाइट हाउस में इन्हें 100 इंटरव्यू दिए गए थे, उसके ऊपर मैरी जॉर्डन ने यह बुक बनाई है। आप बुक का नाम ध्यान रख सकते हैं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है ये बुक बहुत ही। नेक्स्ट, किसने नया वर्चुअल बेल रिकॉर्ड कीबोर्ड लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने। गूगल ने अभी जो कम देखने वाले हैं और जो अंधे लोग हैं उनके लिए एक वर्चुअल बेल कीबोर्ड लॉन्च किया, जिसमें लोग उस वो अपने फ़ोन में टाइप कर सकें और उनके लिए टाइप करने के लिए मदद हो सके। तो उन्होंने अभी एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। यहाँ गूगल की बात कर लेते हैं, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1958 को, और इनका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और अभी इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे लैरी पेज, और अभी वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई, जो भारतीय मूल के निवासी हैं। और यदि एक बात और कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे अभी जो कोरोना वायरस के चलते हुए पूरे भारत में जो फैला है, इसमें जिसमें छीते छी नहीं सकते लोगों को, ताकि इससे छीने से कोरोना वायरस फैलता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बंदे अंधे हैं उनको तो छी के ही पता चलता है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो उनको देखते हुए, जैसे आप यदि आपके आसपास कोई अंधा व्यक्ति है, जिस विकलांग है, तो उसको मदद करने के लिए एक संस्था है। तो जो भी आपको दिखे तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप उन्हें बता सकते हैं, ये संस्था वो उनकी हेल्प करेगी। तो आपको ये नंबर दिख जाएगा, ये नंबर है। नेक्स्ट, किसने COVID-19 से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार के द्वारा यह किया गया है। तो इसमें भारत सरकार के तहत कोरोना वायरस के चलते हुए 15,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की, जिसमें तीन चरण की योजना बनाई गई है। और जैसे हमारी जो तीन चरण है, इसमें राज्यों को कुछ पैसा दिया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम इनरेज पैकेज का नाम रखा गया है। इसके तहत 1500 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, जिसमें पहले चरण में 7,444 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें पूरे राज्यों को बांटा जाएगा, और 1 से 4 साल के लिए बाकी पैसे को 1 से 4 साल के लिए रखा जाएगा, जो जितने भी इक्विपमेंट वगैरह हैं उनकी फिर से सुविधा को मुहैया कराने के लिए उसके लिए रखा जाएगा। तो ये 2 चरणों में इस तरह से बांटा जाएगा आधा आधा पैसा। और अभी कुछ दिन पहले 1,70,000 करोड़ रुपए भी भारत सरकार ने जो किया था घोषणा उसके देने के लिए, वो उन लोगों के लिए था जो गरीब मजदूर हैं, दहाड़ी वाले हैं, जो रोजी रोटी करके रोजाना काम करके रोजी रोटी कमाते, उनके लिए वो योजना थी। तो जिसके तहत वो पैसा अलॉट किया गया था 1,70,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, हाल ही में COVID-19 का वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के त्रिफिद विश्वविद्यालय के साथ किसने साझेदारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड।
इसने अभी ऑस्ट्रेलिया की एक 3/5 विश्वविद्यालय के साथ एक साझेदारी की है। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, जिसका हेड क्वार्टर है तेलंगाना में, तेलंगाना में इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका रॉय रस्तावरे। तो यह इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की एमडी एवं सीईओ बन गई हैं, और ये इफको टोक्यो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें टोक्यो मैरिन ग्रुप और भारत का इफको ग्रुप है, इन दोनों ने मिलकर यह इंश्योरेंस कंपनी बनाई है। इसकी बात करें तो ये जो अनामिका रॉय हैं ये इसके अभी सीईओ बन गई हैं, और इफको टोक्यो का हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है हरियाणा के, जिसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है के श्रीनासा गोबड़े, अभी इसके वर्तमान में चेयरमैन है, और अभी एमडी बना दी गई है अनामिका रॉय रस्तावरे को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी इनबिल्ट नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलएनटी। तो एलएनटी के साथ भारतीय सेना ने स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी इनबिल्ट नेटवर्क स्थापित करने के लिए साझेदारी की। भारतीय सेना बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपना एक आईटी नेटवर्क स्थापित करे, तो वह किसी न किसी के साथ तो साझेदारी करती, तो इसलिए उसने एलएनटी के साथ साझेदारी की है, एलएनटी के साथ साझेदारी की है। और एलएनटी में इसमें क्या है, 414 रक्षा जो स्टेशन है उनको एक साथ शामिल कर दिया जाएगा, और यह भारतीय सेना का बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, जिसके तहत अभी भारतीय सेना के चीफ की बात करें तो अभी वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, जो अभी नियुक्त हुए हैं 2020 में। नेक्स्ट, भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री में बिना मरीज के संपर्क में आए कोरोना संक्रमण की जांच के लिए किस नाम से एक बूथ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चरक। चरक एक नाम का एक बूथ बनाया गया है भोपाल रेलवे कोच फैक्ट्री में, जिसमें बिना मरीज के संपर्क के आए हुए डॉक्टर उनका इलाज कर सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डॉक्टर यहाँ से हाथ निकाल के मरीजों का तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसके तहत वो उनको संक्रमण के चांस नहीं रहेंगे वो, और वो अंदर लॉक रहेंगे तो संक्रमण फैलेगा नहीं इस तहत। और यह लगाया गया है भोपाल पे, मध्य प्रदेश की राजधानी में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ब्रेक द चेन अभियान किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ के साथ मिलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रेक द चेन अभियान चालू किया है। तो यहाँ यूनिलीवर की बात कर लें तो यूनिलीवर तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी इसके सीईओ हैं संजीव मेहता जी। और यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, इसका फॉर्मेशन हुआ और इसका हेड क्वार्टर था न्यूयॉर्क में, और जिसके अभी हेड हैं हेनरिएटा एच4ए, जिसके मेंबर हैं 190 कंट्रियां इसकी मेंबर हैं। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो इस नाम से, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दी गई है, जिस पर आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड कुछ पीडीएफ या मटेरियल मिलेगा जो आपकी स्टडी को और बूस्ट कर पाएगा। क्योंकि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए, और वीडियो कीजिए लाइक कमेंट एंड शेयर।